हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। कैसे हैं आप सब? ज्योति की दुनिया में 03 आप सबका स्वागत है। गैस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे होंगे। आज मैं लाई हूँ बहुत ही अच्छा, आपके मुंह में भी पानी आ जाएगा इस तरीके से लाई हूँ कि आज ना मेरे जीजू ना घर गए थे, उस वहाँ से मम्मी ने सामान भिजवाया है। मैं दिखाती हूँ आपको क्या क्या सामान भिजवाया है। ये सब सामान है, देखो गैस, ये संतरे, ये दाल, ये क्या बोलते हैं, राजमा सफेद वाली। अच्छा, आपको मैं मतलब आप आपको तुम्हें भी खाने का मन करेगा, पर क्या कहते हैं, मैं इतनी खुश हूँ कि जी जो वहाँ से मम्मी ने भिजवाया था इतनी दूर से लाए, तो इसलिए मैं दिखा रही हूँ क्या क्या भेजा है मम्मी ने। 1 मिनट, गैस, ये है संतरे जो पहाड़ी में बोलते हैं माल्टा, ठीक है, ये माल्टा है, ये वो संतरे हैं। कैसे हैं? बहुत ही प्यारे। सब सबको अभी मैं टोकरी में रखूंगी। ये देखो, टोकरी में रख दिया हमने। देखते मम्मी ने क्या क्या भिजवा रखा है। ये माल्टा है, ठीक है गैस, और बापरे इतनी सारी चीजें दे दिए। ये माल्टा हो गया हमारे, और ये हो गए संतरी। ऐसे इधर रख देते संतरे, माल्टा संतरे छोटे छोटे हैं तो आजकल ना बहुत, अगर मैं गांव में होती ना तो बहुत अच्छे से इनको खाती। अभी मेरा भाई वहां पे था ना दीदी के उधर, तो वहां से लाया है, रोहिणी से लाया। तो कल हम क्या पता घूमने भी जा सकते हैं, ब्लॉग पे बने रहे। ये इसे बोलते हैं गहत की दाल। क्या बोलते हैं? गहत की दाल। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बोलते हैं हमारे मैं सोयाबीन भट्ट, आपको भी पता होगा, दिखाएगा इसके ये भट्ट होती है ना, भट्ट मेरी फेवरेट थी, मम्मी ने भिजवाई थी, बहुत ही प्यारी लगती थी मुझे ये बात। ये मेरी मम्मी ने दाल भिजवाई है, यहाँ से नहीं होते, वहाँ दाल भिजवाई है। ये हैं गहत, गोंद जिसे बोलता है, गोंद पहाड़ी में गहत की दाल, बहुत ही प्यारी गहत, और इसे कहते हैं मौस, मौस की दाल गिर भी गई है। ये पहाड़ी जीरा भी भिजवाया है मम्मी ने, जीरा होता है, ये मसाला है, हल्दी है गांव की, लिख गया। ये दीदी ने भिजवा रखा है दलिया, मैं तो खाती नहीं, फिर भी दीदी ने दलिया दिया है ये। तो गैस, सबसे अच्छा तो मुझे ये लगता है, देखो तो आपके यहाँ भी खाते होंगे, और इनके ना ओखली में कूटे जाते हैं फिर खाते हैं, जैसे भट्टे मिला दो, और चूड़ा बोलते हैं इसे, चूड़ा दिख रहा होगा आपको, चूड़ा बोलते हैं, तो इसे मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें क्या है देखते हैं, ये ना वो उसके बड़े बना रखे हैं, दाल के बड़े बना रखे हैं, इसकी ना सब्जी बहुत ही टेस्टी होती है। मैंने बनाया था ना एक बार, तभी तो मुझे गाँव में भी बहुत टेस्ट है, पर मैं ना खाने में कोई वो नहीं करती कि मुझे ये पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं, मुझे सभी अच्छा लगता है, सबकी दाल अच्छी। और सबसे खासियत क्या पता है ना, ये वाला आटा सबको पता होगा, ये कौन सा आटा है, कौन सा आटा पता है, कौन सा आटा है, बहुत ही अच्छी रोटी लगती है। ये है मडवे का आटा, मडवे की रोटी, और उसमें घी और गुड़, इतनी अच्छी लगती है मुझे, बहुत ही गर्व। मम्मी ने हमारे गाय की छाँस, छाँस भेजाई, छाँस लस्सी बोलते हैं वैसे तो, जैसे तो समझ में नहीं आ रहा, गांव की पियर लस्सी है, यहाँ की नहीं है, गांव की पियर लस्सी। उसके बाद जो पहाड़ियों में बहुत ज्यादा बनता है वो है
पिपड़ों का साग, सिमी का साग, आय हाय क्या मजा आ रहा था। इस तरह से बनता है। ये चीजें भिजवा रखी है मेरी माता के लिए, मैं इसे मैं पैक कर देती हूँ। अगर किसी को खाना होगा इस तो मेरे रूम पे आ सकता है सदर बाजार, इसको दे दूंगी मैं ये। और बहुत ही प्यारे हैं ये, देखो एकदम अच्छे पौधे, एक दिन जो है खाते हैं थोड़ा बहुत, खाकर दिखाती हूँ आपको। गाँव का है, मुझे यह लगा हेलो तुम मैं देखो जो यही आएगा ना उसी को मिलेगा। आप भी आ सकते हैं, खा सकते हैं। मैं दिखाती हूँ कि मम्मी ने क्या क्या, मतलब क्या क्या सामान, मैं अच्छे से दिखा देती हूँ एक बार क्या क्या दिया और वैसे पैक कर देती हूँ। क्योंकि इतने से रूम में ना ये गोकुल का सामान है, कल को जाएगा घर, कल को 8 बजे की बस है तो ये जाएगा। और अभी गोकुल गया है बाहर, तो यहाँ कुछ फोन का कवर वगैरह ले आता हूँ तो बाहर गया है। तो अभी मैं बनाती हूँ चाय, बहुत ही अच्छी टेस्टी। ये देखो गाइस, ये अभी मैंने खा रखा है, इतना ये रख रखा है। ये है भट्टा हमारे, ये है पड़ो रख दिए हमने हमने ये है राजमा, सिमी बोलते हैं जैसे पहाड़ी में। ये है गहद गोंत गोंत, ये है मड़वे का, कल को बनाऊंगी रोटी मड़वे की। ये है चूड़ चूड़ा, ये है जीरा, और ये है बड़ी कुमले की जो अभी दिखाई थी मैंने। ये है दाल, मम्मी ने देखो कितनी सारी दाल दी थी, अरहर और अरहर और मांस। ये दीदी का दलिया, ये गिरा था, ये कर देती हूँ अभी। ये है लस्सी लस्सी, ये है संतरे। गाइस अभी गोकुल आया नहीं है तो तब तक मैं बना लेती हूँ चाय, बना के खाना लेती हूँ। क्या खाना बनता है, क्या क्या होगी। एक टाइम दो बहुत है, दो कप बन जाएंगे इससे, बन जाएंगे या एक बन जाएगा, बस तो पानी उबालना और पानी उबल जाएगा तो अभी फिर बनाएंगे। फिर इसमें डालेंगे हम दूध, मैं गाइस ये वाला दूध इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि हर समय दूध लाने के लिए भागना पड़ता है, गली में ठंड हो रही है तो मैं ये अमूल पाउडर, और इतना प्यारा लगता है मुझे ये दूध इस्तेमाल करती हूँ। बचपन में मैं बहुत खाती थी, आपने भी खाया है बचपन में, कमेंट करके बताने कि पाउडर वाला दूध कौन खाता था। बचपन में बहुत खाती थी तो मैं बनाती हूँ चाय। देखो पता नहीं अभी तक तो आया नहीं भाई, कहाँ रह गया ये। अभी हम डालते हैं चाय, बनाऊंगा अब खाना बनाना तो क्या ही दिखाऊं, वही खाना बनाती हूँ मैं, कभी रेसिपी दिखाऊंगी अपने पूरी, बस चाय बना देती हूँ मैं उसके बाद दिखाऊंगी। और छाछ मैंने रखती है, मैगी मैगी नहीं बनाऊंगी अब,
आज तो खाना ही बनाऊंगी, भाई आया है तो हमारा पानी गर्म हो चुका है, ये देख सकते हैं आप, हमारा पानी गर्म हो चुका है, ये देख सकते हैं आप, हमारा पानी गर्म हो चुका है। अब हम डालेंगे पाउडर, जैसे पाउडर डाला ग्लास में, डल गया, और डालेंगे नहीं तो काली चाय बन जाएगी, वैसे तो बहुत हो जाती है, थोड़ा ज़्यादा डालूंगी ना, अच्छी चाय बनाऊंगी। बहुत हो गया, अब इतना मैं खा लेती हूँ। आप भी सीख लेना कि पाउडर का कैसे बनाते हैं। ये हमारा दूध उबला, गैस कम, ये देखो ये हो गया दूध, डिट्टो दूध, है गरम, हिल जा रहा है यार कैमरा, गरम हो गया ये, 1 मिनट, बहुत गरम हो गया क्योंकि मैंने बहुत गरम कर दी थी, देख सकते हैं दूध ही जैसा लग गया है। वाह, इससे ना ऐसा होता है जैसे गर्म पानी कर लो ना तो फिर सारा दूध वो हो जाता है। मैंने ज्यादा पाउडर डाल दिया था ना तो बहुत ही प्यारा दूध निकला है, तो कुछ डिटो जैसे कि गाय का ही है, तो अमूल दूध लाएंगे ना, कोई भी यूज करता है तो ना ये वाला ये यूज करना था मिल्क, फूड मिल्क इस वाला यूज करना, बहुत ही प्यारा होता है इससे दूध, अगर कोई नहीं ले सकता ये देखो, ऐसे भी पी सकते हो, बहुत ही प्यारा लगता है गर्म पानी का। हमने इसकी बनाती चाहिए अभी, हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं ना सान दिया, सान, इसमें डालेंगे हम 4 पत्ती, उसके बाद मेरे चीनी भी, मतलब मैं वो वाली चीनी डाली, ये वाली छिलना ही ये डालूंगी, चाय पत्ती, अब इसकी हमारी चीनी है 1 चम्मच, एक चीनी तो मैंने ये वाली चीनी पिसवा रखी है, तो ये चीनी हम इसमें डाल देंगे, ये प्यारी चाय बनाऊंगी ना मैं आज, मस्त बहुत ही टेस्टी चाय। तुम सोच रहे होंगे क्या बना रही है, क्या डाल रही है, क्या नहीं, देखो अभी इतनी प्यारी चाय बनेगी, ये चीनी हो गई हमारी, लोग बाग बोलेंगे चाय बनाने में नहीं आता शायद, पता नहीं गोकुल कहाँ रह गया। ये हो गई तो हमारा तैयार, अब हम डालेंगे थोड़ा अजवाइन, मुझे ना अजवाइन का बड़ा शौक है, अजवाइन डाल दिया। अब यार अदरक लाई थी मम्मी, दिया था मम्मी ने अदरक, ये चाय पत्ती, इसे ना थोड़ा कम कम आता है तो इसलिए मैं, बाद डालेंगे हम अदरक, अदरक मम्मी ने भिजवाया था इसमें, पता नहीं कहाँ रह गया, मीठे वाले में भी जो है इस बार अदरक निकालते हैं, ये मिल गया गांव का अदरक, बहुत ही टेस्टी चाय होगी इससे, थोड़ा थोड़ा डालते हैं हम इसे, थोड़ा डालेंगे, ये हो गई अदरक, इससे कोको में डाल देते हैं, कुछ पीसने वाला नहीं है इसमें, ओह माय गॉड, चाय हो गई बनके तैयार, मम्मी वाला भाई आएगा ना, मुझे तो प्यारी चाय बनी है ना, इसके पीछे दे सकते हैं आपको लाइव है, ये आपसे तो कैसे चाय बनेंगे,
ज्यादा तो नहीं कटेगा, है बस कटेगा हो जाए। गाँव से तो बहुत खुशबू ही काफी है, गाँव की चीजों की तो खुशबू डालो, टेस्ट भी चाहिए। चाय का लुक अभी बनानी है। दगड़ियो आ जा, तुम ले पी जा चाय। सुड़क सुड़क कितनी प्यारी चाय बन रहा है, कितनी प्यारी चाय। अभी खाना भी बनाना है यार, बहुत टाइम हो गया। मैं ना बहुत आलसी हूँ, अभी आई ड्यूटी से और क्या कहते हैं ये हमारी चाय। अभी डालूंगी कप में, क्या करो। और ये हमारी चाय बन चुकी है, अब हम डाल रहे हैं। देखो अभी हमारा गूगल बना है वीडियो बनाने का, वो कैप्टन। ये बन चुकी है चाय, ये देखो कितनी प्यारी चाय बनी है गाइस। ये एक कब गोकुल का हो गया, एक मेरा हो गया। वाओ लुक देखो चाय का, कितना प्यारा लुक आया है। कुछ लाइन ये हमारी होगी दोनों भाई बहन की चाय, टेस्ट शेयर के बताते हैं कैसे लगी। हम उधर बैठ के कहते हैं हाँ जा। ये हमारी चाय देख सकते हैं गाइस, इतनी प्यारी चाय। ये ले कोको की चाय देख सकते हो, इसको देखो ठीक और बताना और लाइन कैसी चाय बनी है। देखो कुछ ना कुछ नुकसान निकालेगा गाइस, पर मुझे ना चीनी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है तो इसलिए मैंने ज़्यादा डाली है। गिर गिर आ जाओ दगड़े पी लो, कितनी अच्छी है। सुड़क तो सुड़क, अब घर का अदरक डला है, इतनी प्यारी अच्छी लगती है। तो गाइस आप भी ठीक रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, मिलते हैं अगले ब्लॉग से। टाटा नहीं, टाटा टाटा चाय के साथ टाटा, बाय। देख सकते हैं।